नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्व साधुवा प्राणायाम पारंगता वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। साथियों, आज हम महाभारत का पवित्र आख्यान कुंती कर्ण संवाद सुनाने के लिए जा रहे हैं। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध चल रहा था कौरव पांडवों के बीच। पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हैं। दोस्तों, कौरवों के बड़े बड़े योद्धा मारे जा रहे हैं। शाम हुई, युद्ध बंद हो गया। इधर दुर्योधन कर्ण से बोला, भैया कर्ण वीर से जाय के दुर्योधन समझाय पांडव पाचक पाचे मेरी सेना गई नसाई। भैया कर्ण, ये क्या हो रहा है? पांडव पांच के पांच दिखाई दे रहे, लेकिन हमारी फौज सारी मारी जा रही है। बड़े बड़े योद्धा स्वर्ग जा चुके। हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही कि हमारे दल के योद्धा हमारे साथ कपट का युद्ध कर रहे हैं। सुनो भैया कर्ण। अरे सुनो कर्ण बलवीर बधेना धीर सवर कर हारो मेरे दिल में गई समाई रे कछु मो संग दगा बिचारो। भैया कर्ण, हमारी समझ में नहीं आता। और सुनो कर्ण बलवीर बधेना धीर सवर करियारो सवर करियारो मेरे दिल में गई समाई रे कछु मो संग दगा बिचारो। हमारी समझ में नहीं आता वीर, पांडव पाच के पाच लगे वो साचा दार में कारो दार में कारो ये कैसो हुई रो युद्ध सोच दिल भारो ये कैसो हुई रो युद्ध सोच दिल भारो। अरे भैया, अरे तब कर्ण वीर हुंकारो और कहना है गलत तुम्हारो बेटे। कर्ण बोला, भैया तुम्हारे जैसे योद्धा को ऐसा कहना शोभा नहीं देता। ये सब तुम्हारा भ्रम है, हम सब लोग मन से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन भैया समझ में नहीं आता, पांडवों की जो विजय हो रही है वो सिर्फ भगवान कन्हैया की वजह से हो रही है, क्योंकि अर्जुन के साथ ही भगवान कृष्ण हैं और वो रथ चलाने में प्रवीण हैं। भैया दुर्योधन, एक बात हम तुम्हें बताएं। अरे पारथ के रथ वानरे देहे कृष्ण मुरारी जो चतुर योग गुण वानरे अरे संचालन में भारी अर्जुन के
रथ के सारथी भगवान कन्हैया हैं, उनके समान रथ चलाने वाला कोई भी नहीं। महाराज मिटे बैरी को नाम निशान, जो हमको रथवान मिले वो ये सो कृष्ण समान। भैया सुनी करड़ की बात के मामा सपनी बुलवाए, अब तो सुनी करड़ की बात के मामा सपनी बुलवाए। सपनी बुलवाए के मामा सपनी बुलवाए, अब तो सुनी करड़ की बात के मामा सपनी बुलवाए। करड़ की बात सुनकर के दुर्योधन ने तुरंत ही मामा सपनी को बुलाया। भक्तों, कृष्ण के समान साथी तलाश करने को कहा। सपनी कहने लगा, ये कार्य शल को दिया जाए, वो रथ चलाने में कृष्ण के समान है। दुर्योधन करड़ से बोला, चिंता मत करो सूर्यपुत्र, तुम्हारे रथ के साथी आज ये शल बन करके रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे पार्थ जिंदा लौट के नहीं जाए। दुर्योधन के वचन सुने सूर्यपुत्र ऋषि खाई, जो न मारू पार्थ को तो लौट महल न आई। करण बोला, भैया मैं ये प्रण करता हूं कि कल के युद्ध में अर्जुन को अवश्य मारूंगा। और उसी समय कर्ण ने क्या किया, अरे इतनिया कह के सूर पुत्र ने गुर अपने को लगाए के ध्यान, अरे पूजन करके धनुष बड़ को और सूरज को सनवाई। भकुटी चढ़ी क्रोध तन छाओ, नैनन गई है लालरी छाओ। भैया दुर्योधन, मैं ये आज प्रण करता हूं कि कल के युद्ध में उस कुंती के बेटा अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे शंका छोड़े देव मेरे वीरन, भोरई लड़े समर में जाई। अरे काट काट दल खाली करे, लोथक लोथ गिरे भैरव। पुत्र कहला, अरे पांच बड़ बुर पर सराम के जिनकी मार सही ना जाए। और एक बात बताए भैया दुर्योधन, काल समान बाण जो छोड़े दुश्मन देवे धूल मिलाई। अरे तनो काम करे नहीं वीरन, तो मुझ लौट भगवती खाई। अब तो सुन के इतनी बात के दुर्योधन में खुशी भई, अब तो सुन के इतनी बात के दुर्योधन को खुशी भई। खुशी भई, अरे दुर्योधन खुशी भई, अब तो सुन के इतनी बात पाए दुर्योधन खुशी भई।
दुर्योधन से कर्ण ने जब ये कहा कि कल के युद्ध में अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अवश्य मार के आऊंगा, मेरे पास परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं, उनसे अर्जुन बच नहीं सकता। अब तो ये बात जब कृष्ण भगवान ने सुनी उन्हें बड़ी चिंता हुई, सोचने लगे अगर अर्जुन मारे गए तो द्रौपदी को दिए हुए हमारे वचन झूठे हो जाएंगे। कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास मैया कुंती को बुलाया और जवाब दिया, कुंती तुम ऐसा करो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कर्ण के पास चली जाओ, जो परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं उन्हें लेकर के आओ। आज भक्तों कुंती चली है, मन में सोचती जा रही है, आज मैं अपने बेटा के पास जा रही हूँ, मैं कैसे जाकर के बाण मांगूंगी। कुंती तो अब चली दई और मन में कपट विचार, सुनो मेरे भाई जी, मन में सोचती बेटा को कैसे मुंह दिखाऊंगी, ऐसी कपट वाली माँ और कौन हो सकती है। आइए माँ, आइए आइए बैठिए माँ जी। बेटा करण। माँ आज आपका आगमन हुआ, मेरे अहो भाग्य हैं, मेरा जीवन सुधर गया मैया, बोलो माँ। बेटा। बोलो मैया, बोलो मैया, किस कारण कष्ट उठाया है, क्या चिंता तुमको व्याप रही, कैसा मुखड़ा कुमिलाया है। माँ। बेटा। गर्दन क्यों नीचे कर रही हो मां? बोलो मैया, बोलो मैया, किस कारण कष्ट उठाया है, क्या चिंता तुमको व्याप रही, कैसो मुखड़ा कुम्हलाया है। हाँ बेटा, क्या बोलूं, आज हमारे धन्य भाग्य मैया, इस सूर्य पुत्र को धन्य भाग्य, अब दिल मेरो हर्षाया है, इस ब्रह्म मुहूर्त में मैया मिन तेरो दर्शन पाया है।
बोलो माँ, चुप के खड़ी बता दो माँ, क्या कारण है? बेटा, आज तुम्हारी ममता मुझे खींच कर यहाँ ले आई। बड़े दिनों से बेटा ये माँ की आंखें तुम्हें देखने को तरस रही थी। सुनो बेटा, ओ करण वीर मेरे बेटा रे, तुम सुनियो बलधारी। हे बेटा, ओरे मुरली वाले श्याम विपद में विपदा दे दई है। ओरे बंसी वाले श्याम विपद में विपदा दे दई है। विपद में विपदा दे दई है, विपद में विपदा दे दई है। ओरे बंसी वाले श्याम विपद में विपदा दे दई है। बेटा करण, बोलिए माँ। आज तक तुम्हें अपनी मैया का पता नहीं था, तुम केवल सूर्यदेव को ही अपना पिता मानते थे। बेटा, ये अभागी मैया तुम्हारे सामने खड़ी है, माफ कर दो बेटा, इस अभागिन को तुम माफ कर दो। माँ, ये तुम क्या कह रही हो, तुम हमारी मैया नहीं हो सकती। तुम तो अर्जुन की माँ हो, अगर मेरी माँ होती तो तुमने मुझे प्यार दिया होता। अरे बेटा सुनो, वेद छुपायो आज तक तो कू रही बताई, कैसे जायो लाल तोए कहत शर्म मोए आई। क्या कह रही हूँ माँ, क्या कह रही हूँ, बताओ माँ। सुनो बेटा, मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया? कुंत भोज की सुता लली बाबुल को अति प्यारी। हे बेटा, बोलो माँ। करी तपस्या बालापन में जबती प्यारी, अरे बेटा तभी दुर्वासार से आए, सूर्य देव भय प्रगट मंत्र जब हमने अजमाए। लला मेरे गजब भयो भारी। नौ महीना के बाद कुमार तू जन्मो तारी, नौ महीना के बाद कुमार तू जन्मो तारी। बेटा, सूर्यदेव की तपस्या से तू कुआरेपन में पैदा हुआ, लोक लज्जा के कारण तुम्हें छुपाए रही। मैंने तुम्हें नदी में बहा दिया था बेटा, आज तक ये वेद मैंने किसी को नहीं बताया। ये माँ तुम क्या कह रही हो, तुमने ये बात मुझे बताई तो पुत्र का प्यार क्यों नहीं दिया मैया? सुनो माँ। सुनाओ बेटा। मैया बतलाऊं साफ तुम्हें।
ही जीवन दाता है। हाँ बेटा बोलो। मैया बतलाऊं सापत में अब रथई जीवन दाता है, जिसने गोदी में रखा है अब माता मेरी माता है। मैया। हाँ बेटा। तुमने पहले ये क्यों नहीं बताया कि मैं तेरा बेटा हूँ? अरे बेटा मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो? माँ। हाँ बेटा। तेरा 9 महीना को पेट में रख तुमने जो कष्ट उठाया है, उस ऋण के बदले में मैया इस सेवक को आज्ञा क्या है? माँ। हाँ बेटा। तुमने मुझे 9 महीना अपनी कोख में रखा, माँ तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर है, बताओ माँ उस ऋण को ये करण कैसे चुकाएगा? बेटा तुम्हें इन बातों का ज्ञान है तो मेरे लाल कल के युद्ध में तुम मत जाना। और बेटा सुनो, सुनो हमारे लाल करो मत क्या लबेर विसरियो, दुर्योधन छोड़ो सा तरे भैयन से मेल बढ़ियो। अंत समय के बाद लल्ला पछतायो। बेटा। कहो माँ। पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं, उनसे बैर मत बढ़ाओ। दुर्योधन अन्यायी है बेटा, उसके साथ रहकर तुम्हें अपने सगे भाइयों से युद्ध करना शोभा नहीं देता। ये माँ तुम क्या कह रही हो? बेटा सुनो। अरे बेटा मेरे प्राणनी प्यारे और पांडव ये व्रत तुम्हारे बेर करो मेरे प्यारे। क्या कह रही हो माँ? बेटा बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि तुम अपने भाइयों से मिलजुल कर रहो। तुम हमारे पुत्रों में सबसे बड़े हो बेटा, सबके सिरमौर बनकर रहो। माँ। बेटा आपने बहुत कुछ कह दिया माँ, जो तुम ये बात आज बता रही हूँ अगर मैया तुम पहले बता देती तो शायद है ये करण अपने भाइयों का होता, अपने भाइयों का होता। अब तो माँ ये करण दूसरों का हो चुका है। सुनो मैया। सुनाओ बेटा। जब तक मेरो यह जीवन है और कुरपति का
साथ निभाऊंगा। हाँ माता तेरी सेवा में मैं तेरा भी कर्ज चुकाऊंगा। तेरा करड़ी है जब तक मेरो या जीवन है, कुरुपति का साथ निभाऊंगा। हाँ माता तेने सेवा की मैं तेरा भी कर्ज चुकाऊंगा। एक बात बता दूं माँ। हाँ बेटे बोलो। मेरे हाथों पारथ के सिवा पांडव न पराजय पाएंगे। मैया हाँ बेटा, तेरे कुमार फिर भी माता पांच के पांच कहलाएंगे। हाँ बेटा, ये तो कभी नहीं हो सकता। मेरा जीवन जीवन नहीं मैया, दुर्योधन का मैं साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन फिर भी माँ, अर्जुन के सिवाय और किसी को नहीं मारूंगा, और किसी को नहीं मारूंगा माँ। अरे बेटा मान जाओ मेरी बात को और सुनो। हृदय अवस्था में बेटा तुम करो नमा की पारी रे बेटा। ममता वो तू होती मैया की मानो बात हमारी रे। कहो माँ, हमसे भूल हो गई, माफ कर दो मुझे। हे बेटा मैं अभागिन हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मैया। अगर तुमने मुझे जन्म दिया तो
तो जन्म देने पहले मुझे मार देती मैया, जन्म देने से पहले मुझे मार देती। हे बेटा, ये मेरे से भूल हो गई कि मैं तुझे जन्म देके अपना बेटा ना कह सके। सुनो माँ। कहो बेटा। देख कर के जन्म हमको मैया। माँ। हाँ करण। देख कर के जन्म हमको मैया, फिर क्यों नदिया में बहा दिया। माँ। बेटा कहो। हमको मैया, फिर क्यों नदिया में बहा दिया। क्या खता हुई हमसे मैया। हाँ बेटा, हमसे क्या भूल भई बेटा, मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो इस तरह। क्या खता हुई हमसे मैया, जो पत्थर का दिल बना लिया। इतना यदि कष्ट उठाया था माँ। बेटे, अगर तुमने 9 महीना तक कष्ट उठाया था तो मुझे नदिया में क्यों बहा दिया था। मुझे जिंदा ही मार देती मैया। इतना यदि कष्ट उठाया था, थोड़ा एहसान कमा लेती। वही मैया, तू मेरा गला घोंट देती। मेरे संग तुमने बुरा किया, मेरे संग तुमने बुरा किया, हमको दर दर भटकाई दिया। हमको मैया, फिर क्यों नदिया में बहा दिया। क्या खता हुई हमसे मैया, जो पत्थर का दिल बना दिया। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा अन्याय किया, तुम्हारे हृदय में उस दिन तनिक भी दया नहीं आई। माँ, उसी दिन तू मुझे मार देती तो ये दिन आज देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन माँ, फिर भी तुम्हारा मैं ऋणी हूँ, तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर है माँ। मैया। हाँ बेटा। एक बात कहें तुमसे। कहो बेटा करण। अरे मागन ओसो मागिल जननी देर मती अब कीजे। मैया। हाँ बेटा। मागन ओसो मागिल मैया देर मती अब कीजे। कछु अपनी ऋण से उड़ रे हमको माँ कर दीजे।
निराशन तोई लौटाऊ। मेरी मैयारी मागनो होई सो मांग लीजे, अब मत दिल में सबको जाओ। मेरी मैयारी बेटा, कहिए माँ। मांगने कुछ नहीं आई हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने भाइयों से मिलजुल कर रहो। बेटा, कहो माँ। अगर तू हमको माँ मानता है। माँ। हाँ। एक बात बताए मैया। हाँ कहो बेटा। ये तो सभी कर्मों का फल है, तेरा कोई दोष नहीं है माँ। मैं सारे जीवन अनाथ बन करके रहा, दुर्योधन ने मेरा साथ निभाया, मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूं? जिसका नमक खाया है उसका ये करण गुलाम है माँ, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैया, तुम जिस उद्देश्य को लेकर के मेरे पास आई हो, सुनो माँ। सुनाओ बेटा। अरे खोलो खोलो हृदय की गांठ, बात कछु मन की कहो। खोलो खोलो मैया। हाँ बेटा। खोलो खोलो हृदय की गांठ, बात कछु मन की कहो। मैया अब ना भेद छिपाओ, मन की बात हमें बतलाओ। माँ। हाँ बेटा, करण बोलो। अरे मैं धनु चरण में माँ, बात कछु मन की कहो। एक बात बता दे मैया। हाँ बोलो बेटा, क्या बात? अब तो दुर्योधन मेरो भैया, जाने पारू करी मेरी नैया जान। और तुम तो अर्जुन की मौत, बात कछु मन की कहो। आज तलक ना सकल दिखाई, और मतलब लेके यहाँ तू आई। फिर क्यों तू भेद छिपात, बात कछु मन की कहो। माँ। हाँ बेटा करण। तुम मौन क्यों खड़ी हो, बोलो माँ। तुम गर्दन को नीचे करे क्यों खड़ी हो, बोलो माँ। बेटा करण, अगर तू मुझे माँ मानता है तो मेरा एक काम कर दे। बताओ माँ। मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है। माँ, वैसे मैं इतना बड़ा दानी नहीं हूँ। अगर माँ आप मांगना चाहती हूँ तो बताओ, क्या मांगोगी?
सुनो बेटा। अरे पांच बाण जो परशुराम के तोपे हैं बलधारी, बेटा करण कहिए माँ। अरे पांच बाण जो परशुराम के तोपे हैं बलधारी, तुम क्या कह रही हो मैया? तूने मेरा कलेजा फाड़ दिया। मैं सत्य कह रही हूँ बेटा। मैं समझ गया था आज तुम मेरी माँ बनने के लिए क्यों आई हो। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं है। तुम्हारा बेटा संसार में अपयश लेके नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। परशुराम के दिए हुए पांच बाण माँ तुम्हें दे के जाएगा बेटा। और सुनो मैया। सुनाओ बेटा करण। माता ये पांच बाण ही बोया गया हो तो तरकस दे दूं और धनवा दे दूं, कृपाण दे दूं, रंग रंग दे दूं, नस नस दे दूं। माँ। हाँ बेटा करण। ये तुम्हारा बेटा तुम्हें अपना ये शरीर भी पा सकता है, मना नहीं करेगा माँ। माता ये पांच बाण है वो आ गया हो तो तरकस दे दूं, आ गया हो आ गया हो तो तरकस दे दूं, धनवा दे दूं, कृपाण दे दूं, रंग रंग दे दूं, नस नस दे दूं। और बताए मैया। हाँ बताओ बेटा। माता जी ये विश्वास रहे ये भकत न बाण जा रहे हैं, ये भकत न बाण जा रहे हैं, अर्जुन की प्राण सुरक्षा में मेरे भी प्राण जा रहे हैं। माँ। हाँ बेटा। आज हमारे प्राण जा रहे हैं कोई फिक्र नहीं, लेकिन कहीं आन नहीं चली जाए। अगर आन चली गई तो माँ दोबारा लौट के नहीं आ सकती। लो माँ, लो ये बाण ले जाओ। लाओ बेटा। लेकिन उस
अर्जुन से जाकर के इतना जरूर कह देना कि धिक्कार है तेरे जीवन को जो तूने अपनी मां को जीते जी भिकमंगी बना दिया, भिकमंगी बना दिया। अब तो संसार में मां तुम्हारी जैसी मां कोई मां नहीं हो सकती। मां के लिए तो सब बेटा बराबर होते हैं, लेकिन मैया तुम ही ऐसी मां हो जो एक बेटा के प्राण की खातिर रक्षा के लिए दूसरे बेटा के प्राण लेकर के जा रही हूं मैया। हाँ बेटा ऐसे मत कहो। मां अब ज्यादा नहीं बोल सकता, आज तुम्हारा बेटा करण मर करके भी अमर होगा। अरे बेटा ऐसे मत कहो। सुनो मैया, सुनो बाणी ले जाओ मां, ले जाओ मैया भाण ले जाओ। आज दोस्तों इधर करण ने जैसे ही परशुराम के पांच बाण दिए तो मैया अपने बेटा को टकटकी लगा के देखती रही। काफी देर के बाद वो मैया बाण लेकर के चली है और भैया राधे श्याम से भरे जी पदम गुप्ता जी हुआ क्या है? हो गया शर्म से सर नीचा, अरे कुंती मेलन पोंधाई रे, माँ। हाँ बेटा ले जाओ ये बाण, ले जाओ भैया। शरम से सिरनी चोक कुंती मेलन कुंधाई रे, और धीरे धीरे चली नजर ऊपर कुनाई उठाई रे, करण बेटा के सिर पे हाथ फिराया, कुंती चली है। आज करण मैया को देखता रहा, अरे देखत खड़ो रो मैया को करण वीर बलदाई रे, अरे देखत खड़ो रो रे मैया को करण वीर बलदाई, ओ जल भई मात तब करण निगा घुमाई, प्यारे एलानी जी आज मैया को कर निहारता रहा, मैया की जब तक पिछाई देखी देखता रहा, जब मैया आंखों से ओझल हो गई तो भ्राता जगवीर जी हुआ क्या? अरे करण लगो अफसोस बैठ के लकी भर भर आई रे, और टप टप आंसू गिरे करण को याद कुटमकी आई रे, अपने कुटुंब की याद आने लगी। मैया ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये माँ मुझे पहले ही बता देती तो आज ये करण अपने भाइयों का होता, करण अपने भाइयों का होता। अब कैसी करूँ आए दैया वही पहले ना बताई रे, स्वप्न पूरो होई न मेरा जग में होई हसाई रे, दरत
धरती में कपट जाइए बैरिन सब दुख जाए समाई रे। रोई रोई के करण पीरन ऐसे गिरा सुनाई रे। आगे क्या हुआ प्रेम शंकर? पटको अरे धरती फटे गगन चकराई। आज मैया के अरे रोपन में आज करड़ के अरे रोपन में पक्के महल करा रखा। लकी सी भर गई मेरी अनाय समझ में आई। अरे विशेष कुमार बाजा पे कांपो इतन नीचे से सु गए दहलाई। भैया लेके बाण गो कुंती मैया महलन पौधाई। प्रेम शंकर लेके बाण गो कुंती मैया महलन पौधाई। अरे महलन पौधाई लता जी महलन पौधाई। भैया लेके कुंती बाण आज वो महल न पौधाई। आज दोस्तों मैया कुंती बाणों को लेकर के रास्ता में जा रही है, सोचती जा रही है कि मैंने अपने बेटा के साथ कपट किया और हुआ क्या। अरे बाणों को लेकर चली वो आंसू की लागी झड़ी। ऐ बाणों को लेकर आज कुंती रोती जा रही है, अस्त्र कपोलों से चल करके धरती में समाते जा रहे हैं। अरे बाणों को लेकर चली आंसू की लागी जड़ी। ऐ बाणों बाणों को लेकर चली वो आंसू की लागी जड़ी। आंसू की लागी झड़ी और सोच रही मैया इत सोच रही कुंती ये विपता की आई घड़ी। सोच रही कुंती ये विपता की आई घड़ी। बारी माँ मुझ जैसी माँ संसार में ऐसी अभागिनी माँ कोई नहीं है। एक बेटा की खातिर में अरे प्राण लेके जा रही हूँ। खातिर प्राण लेकर के जा रही हूँ और अब दिल में तमन्ना है। इतो दिल में तमन्ना है
ये कुदसा की कैसी घड़ी। आज बाणों को लेकर के कुंती राज्यसभा में पहुंची अपने पांचों बेटों के पास।